हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन एंड यू आर वाचिंग जागृति's वोकैब शो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं 31 मई की द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबलरीज पर और सबसे पहले देख लेते हैं उसकी लिस्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है अनवील, नेक्स्ट इज एमनेस्टी, थर्ड इज वॉसिफरस, फोर्थ इज अनप्रेसेंडेड एंड द लास्ट वन इज विंडिकेटेड। तो हम इन पांच वोकैबलरीज को आज देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है अनवील। अनवील का मतलब होता है खुलासा करना, उसके लिए हम अनवील वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम है डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है रहस्य खोलना, अगेन आप बोल सकते हो खुलासा करना। इसका एंटोनिम है व्हील। व्हील का मतलब होता है सीक्रेट रखना, घूंघट में रखना, या फिर आप बोल सकते हो ढकना, उसके लिए हम व्हील वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस में आप ऐसे बोलेंगे द कंपनी विल अनवील इट्स न्यूएस्ट प्रोडक्ट टूडे। कैसे बोलेंगे? द कंपनी विल अनवील इट्स न्यूएस्ट प्रोडक्ट टुडे, यानी कंपनी अपने नए प्रोडक्ट का खुलासा आज करने वाली है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है आम माफी मांगना, यानी सबके सामने माफी मांगना, उसके लिए हम एमनेस्टी वर्ड यूज करेंगे। इसका सिनोनिम है पार्डन। पार्डन का भी सेम मतलब होता है माफी मांगना, सॉरी बोलना, उसके लिए हम पार्डन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम है कास्टिगेशन। कास्टिगेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? कास्टिगेशन का मतलब होता है दंड देना, उसके लिए हम कास्टिगेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी सजा देना। सेंटेंस में आप कैसे बोलेंगे? द एमनेस्टी हैज बीन डिक्लेयर्ड। कैसे बोलेंगे? द एमनेस्टी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो की वॉसिफरस। दोस्तों, वॉसिफरस का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, बहुत जोर जोर से चिल्लाना, उसके लिए हम वॉसिफरस जैसा वर्ड यूज करेंगे। इसका सिनोनिम है रॉकस। रॉकस का भी सेम मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, कर्कश होना, उसके लिए हम रॉकस जैसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, चुपचाप रहना, उसके लिए हम क्वाइट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस में आप कैसे बोलेंगे? ही इज अ वॉसिफरस क्रिटिक। कैसे बोलेंगे? ही इज अ वॉसिफरस क्रिटिक, यानी वो बहुत ही एक चिड़चिड़ा टाइप का क्रिटिक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि अनप्रेसेंडेड। अनप्रेसेंडेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए हम अनप्रेसेंडेड वर्ड यूज करेंगे। इसका सिनोनिम है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण, अगेन जो पहले कभी ना हुआ हो, जो बहुत डिफरेंट हो, बहुत नया हो, उसके लिए हम अनयूजुअल वर्ड यूज करेंगे। इसका एंटोनिम है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है साधारण होना। कॉमन का मतलब क्या होता है? साधारण होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि हमारा विंडिकेटेड। दोस्तों, विंडिकेटेड का मतलब होता है पुष्टि करना, कंफर्म करना, उसके लिए हम विंडिकेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम पे आ जाते हैं, जो कि है ऑथेंटिकेट। दोस्तों, ऑथेंटिकेट का भी सेम मतलब होता है पुष्टि करना, कंफर्म करना, उसके लिए हम ऑथेंटिकेट जैसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी प्रूव करना, ठीक है। इसका एंटोनिम है डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब होता है झूठा ठहरा देना। डिसप्रूव का मतलब क्या होता है? झूठा ठहरा देना, ठीक है, उसके लिए हम डिस्प्रूव वर्ड यूज करेंगे एज अ एंटोनिम। तो ये थी आज की हमारी पांच इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। एंड यस दोस्तों, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी जरूर लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।